तो आपने देखा कि गुजरात पवेलियन के अंदर क्या क्या खास है। अभी और भी बहुत कुछ बाकी है, अगले दिन हम फिर आपके साथ पवेलियन के अंदर चलेंगे और वो तमाम चीज़ें दिखाएंगे जो अभी तक आपने नहीं देखा है। साथ ही हम और ये बात भी करेंगे कि हमारे जो कारीगर हैं उनके बनाए हुए जो सामान हैं क्या वो अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता के हैं या नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को इसी मेले में देखने का प्रयास भी किया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही, अगले दिन हम फिर हाजिर होंगे कुछ और मेले के अंश को लेकर। फिलहाल दीजिए हमें इजाज़त, नमस्कार।